तो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। तो हम परसेंटेज की क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, तो हम उसी के टाइप का अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड मैंने लास्ट टाइम आपको सक्सेसिव नेचर के कुछ टाइप्स बताए थे कि सक्सेसिव चेंज में जब क्वेश्चन आएगा तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो किस किस क्वेश्चन में आपका सक्सेसिव चेंज बनता है। तो आज हम ऑलमोस्ट काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चन उसी के ही करेंगे सक्सेसिव चेंज के, सो डेट आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एंड आज हम केस टू एंड केस थ्री के काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन कराए थे, केसेस बताए थे। सो लेट स्टार्ट। सो जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, द रिजल्टिंग प्राइस इज ₹33, व्हाट द ओरिजिनल प्राइस वाज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बोल रहे हैं कि एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकती है, टेबल हो गया, बैडमिंटन हो गया, एनीथिंग, कोई भी आर्टिकल हो सकता है वो, ठीक है। उसका जो प्राइस था, मतलब उसका जो MRP रेट था, वो जितने का बिक रहा था, वो जो प्राइस था वो पहले तो बढ़ता है 10% से, उसके बाद 10% के बढ़ने के बाद वो बढ़ जाता है 20% से। तो जब वो इतना बढ़ गया ना, उसके बाद जो उसका प्राइस हुआ वो हुआ ₹33। तब वो हमें पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, व्हाट द ओरिजिनल प्राइस वाज, मतलब जब जो ओरिजिनल प्राइस था उसके बाद 10% बढ़ा होगा और उसके बाद 20% बढ़ा होगा, तब जाके आपके ₹33 हुए। तो हमें बताना है कि ₹33 से पहले जब ये इंक्रीज नहीं हुआ था तब आपका प्राइस क्या था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते कि जो ₹100 है, 100 मान लेते, लट कर लिया 100 को, कि वो ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है। अब हमें पता है कि 10% पहले बढ़ा, पहले क्या हुआ, 10% बढ़ा है, ठीक है। तो हम 100 में 10 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 110, ऑलराइट। उसके बाद बोल रहे हैं 20% बढ़ा है, तो 20% बढ़ा है तो हम 100 में 20 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब अपने डायरेक्ट वाले फॉर्मूला पे आओ जो मैंने कल आपको सिखाया था। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि फाइनल ओवर इनिशियल, ठीक है, या फिर आप इनिशियल ओवर फाइनल भी कर सकते हो। तो हमारा फाइनल क्या बन रहा है, 110, इनिशियल क्या था 100 मान के चले थे, मल्टीप्लाई बाय फाइनल क्या है 120 एंड इनिशियल क्या था 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कटा 0 से 0 कटा, देन यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 3 12 एंड 4 25 100, तो ये हो जाएगा 11 3 33 over 25। आप एक चीज़ देख रहे हो, जो फाइनल है वो 33 है और आपको इन एक्चुअल रिजल्टिंग प्राइस क्या बोलता है 33, डैट मीन्स ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं, है ना। हमारा जो फाइनल प्राइस आया है सॉल्व करके वो हमारा 33 आ रहा है, और इन एक्चुअल भी क्वेश्चन में ₹33 दिया हुआ है, इसलिए जो हमारा इनिशियल प्राइस था, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था, वो आपका यही हो जाएगा। तो डैट मीन्स कि ₹25 जो है वो आपका ओरिजिनल प्राइस था, ठीक है। तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ओके। और अगर आपका ये चीज़ नहीं होती, मान लो आपका यहाँ पे 35 होता, ठीक है, तो डैट मीन्स कि जो 35 है वो आपका 33 के बराबर होता, देन आप एक के लिए वैल्यू निकालते, फिर जो वैल्यू निकलती आप उसको इनिशियल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते, फिर आपके पास ओरिजिनल प्राइस आ जाता, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लेकिन इस बार हमें फाइनल प्राइस जो हमारा आया वही फाइनल प्राइस इन एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन था, डैट्स वाई जो आपकी इनिशियल अमाउंट है, यानी कि जो आपका ओरिजिनल प्राइस होगा वो एज इट इज वही रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years अगो वाज 62,500। एक पॉपुलेशन बताई गई है हमें एक टाउन की, ठीक है, टाउन को आप विलेज कह सकते हो, एक विलेज की पॉपुलेशन है, 2 साल पहले की बताई गई है, वो थी 62,500, ठीक है, 62,500 लोग रहते थे एक विलेज में 2 साल पहले, कितने साल पहले, 2 साल पहले, ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज। लेकिन वो लोग, उनमें से कुछ लोग चले गए बड़े बड़े शहरों में, गांव को छोड़ के कुछ लोग कहाँ चले गए, बड़े बड़े शहरों में। एक डिक्रीज एवरी ईयर बाय द रेट ऑफ 4%, ये हर साल 4% के रेट से घटती है, ठीक है। ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये 2 साल पहले की है, और 2 साल के बाद जितने भी, मतलब 2 साल है तो यानी कि 2 साल में 1 साल प्लस 1 साल, ठीक है, इन दोनों साल में ये 4-4% घटी, मतलब एक तरह से टोटली 8% घटी है, आप ये भी मान के चल सकते हो। तो मुझसे पूछ रहा है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो अब कितनी होगी, 2 साल बाद जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, जब वो हर साल 4% के रेट से घट रही थी। इस चीज़ को ऐसे समझो कि इनिशियली आपको ये गिवन है 62,500 आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब अभी हमें ये पॉपुलेशन बताई गई है। अब हमें बोल रहा है कि ये पहले साल में 4% घटती है, फिर कुछ पॉपुलेशन बनी होगी, फिर बोल रहा है कि ये वाली पॉपुलेशन 4% फिर से घटी, क्योंकि 2 साल है तो 1-2, यानी कि फिर से कोई पॉपुलेशन आई होगी। अब जो ये पॉपुलेशन है ना, ये हमारी होगी फाइनल वाली, ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो चलो इस क्वेश्चन में भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, बट कैसे करेंगे ये देखते हैं। 4% का रेट गिवन है, ठीक है, 4% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये क्या बनेगा, 1/25, और ये हमें बोल रहा है कि ये ना डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डैट मीन्स कि यहाँ पे हम माइनस करेंगे।
तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट वाला। जब आप डायरेक्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 1/25 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25 में से 1 है, 24 होगा, तो डैट मीन्स कि जो आपकी फाइनल वाली होगी, 25 तो हमारी ओरिजिनल है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है आपकी हमेशा ओरिजिनल संख्या रहती है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर हो गए आपका हमेशा। तो डैट मीन्स कि अगर हम फाइनल ओवर इनिशियल का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारी फाइनल क्या है, 25 है, एक घट रही है, तो यानी कि सॉरी फाइनल हुई 24 और इनिशियल हमारी क्या होगी, 25, जो कि ओरिजिनल थी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरे साल में भी सेम केस है, तो यहाँ पे भी फाइनल हमारी क्या होगी, 24 और इनिशियल हमारी क्या रहेगी, 25, जो कि पहले ओरिजिनल थी। तब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, और जो 25 है, 25 का स्क्वायर आता है आपका 625, 625, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, आपको ओरिजिनल क्या दी गई है, 62,500, ये आपको बोला ये 2 साल पहले थी। अब हमारा लेकिन इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा इनिशियल केस है, यानी कि जो पहले की पॉपुलेशन है, वो आ रही है 625, तो 625 को अगर आपको 62,500 बनाना है तो आप क्या करोगे, आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो अब अगर आपने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तब जाके आपकी ये आ रही है, तो हमें तो फाइनल का बतानी है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है। तो ये जो प्रेजेंट पॉपुलेशन आई है हमारी, हम इसमें भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी एग्जैक्ट पॉपुलेशन आ जाए। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी पॉपुलेशन आई 57,600। तो ये है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। होपफुली आपको समझ आया होगा, ये भी सक्सेसिव चेंज का टाइप है, जो आपके पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ये आपका वो वाला टाइप है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹6,250, इट डिक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल में वो 10% से घटती है उसकी वैल्यू, एंड 20% ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में आपकी 20% फिर घट जाती है वैल्यू, एंड 30% ड्यूरिंग थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में 30% फिर से घट जाती है, बट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर्स। अब हमें बताना है कि जब आप तीनों साल तक ऐसे घटती रही है वैल्यू, तो जब वैल्यू 3 साल के बाद घटने के बाद जो ओरिजिनल प्राइस, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस होगा 3 साल के बाद, वो आपका क्या होगा, हमें ये बताना है। तो अब हमें इसमें कुछ चीज़ें नोट करने के लिए, ये देखो वैल्यू का मतलब यहाँ पे प्राइस हो गया, तो हमें ओरिजिनल प्राइस फिलहाल क्या गिवन है, ₹6,250, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपका 10% से प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में 20% से घट रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर में 30% से आपका प्राइस घट रहा है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि प्राइस हर बार घटता हुआ गया है, लेकिन इस बार ना हमें ना, लेकिन इस बार ना हमें फाइनल वैल्यू नहीं दी गई, इस बार हमें इनिशियल वैल्यू दी गई और फाइनल निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे भी हम अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अब जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, उसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे साथ के साथ हमारे ओरिजिनल प्राइस को, ठीक है, ताकि हम फाइनल की वैल्यू निकाल लें। पहले हमें फाइनल की वैल्यू गिवन होती थी, इसलिए हम ओरिजिनल प्राइस को निकालते थे अपने डायरेक्ट फॉर्मूला से, लेकिन अब हमें जब ऑलरेडी आपको ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो उसके बाद हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे थ्रू आर डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आपको 10% को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करना है, तो 10% तो हो जाएगा आपका फ्रैक्शन में 1/10, 10/100 करोगे 1/10 आएगा, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये होता है 1/5, 20/100 करोगे उसको कटआउट करोगे तो 1/5 बनेगा, 30% है, 30% का होता है फ्रैक्शनल फॉर्म 3/10, 30/100 करोगे तो आपका 3/10 होगा। तो ये हमने फ्रैक्शनल फॉर्म लिख ली। अब हमें पता है कि हर साल डिक्रीज हुआ है, तो डैट मीन्स कि हम माइनस कर देंगे, और एक चीज़ हमें पता ही है कि डिनोमिनेटर जो होता है ये ऑलवेज क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल संख्या होती है, इसको हम कभी भी चेंज नहीं करते। तो 10 में से 1 गए 9, तो 9/10, 5 में से 1 गए 4, तो 4/5, 10 में से 3 गए तो 7/10 कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, उसके बाद अब भाई हमारा फाइनल प्राइस ये निकला है, इनिशियल हमारे पास यानी कि ओरिजिनल प्राइस ही ऑलरेडी था, तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इसी में ही क्योंकि अब हमें ऑलरेडी वैल्यू दी गई है मशीन की, इसी में हम क्या कर देंगे, ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाए इन एक्चुअल क्या होगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 1 ज़ा 5 होगा, 5 2 ज़ा 10, देन 5 5 ज़ा 25 और 0 का 0, इसको अगेन कट आउट कर लो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 0 अगेन कट आउट, 5 5 ज़ा 25, 0, फिर अब ये क्या बन जाएगा, 9 7 ज़ा 63 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो, तो आपका ये क्या आंसर बनेगा, 0 का 0, 5 3 ज़ा 15, 5 का 1 गया, 5 6 ज़ा 30, 31।
तो ये है आपका करेक्ट आंसर ₹3,150। जो आपकी वैल्यू होगी मशीन की 3 साल के बाद, वो आपकी वैल्यू ये आएगी ₹3,150। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमें ये वाली वैल्यू गिवन थी और ये निकालनी थी, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया था अपने फॉर्मूला में। लेकिन अब की बार हमें ये वैल्यू गिवन है ऑलरेडी ओरिजिनल प्राइस की और फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो फाइनल निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया और हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट प्रेजेंट इज 5,000। इफ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 6% एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 14%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 5,540 आफ्टर 1 ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले ना वैल्यूज लिख लेते हैं। प्रेजेंट में जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमें कितनी गिवन है, प्रेजेंट में हमें 5,000 गिवन है, ठीक है, डैट मीन्स कि ये इनिशियल है। और फाइनल जो आपकी 1 साल के बाद होती है वो आपकी होती है 5,540, ठीक है। तो इन दोनों में आप कंपेरिजन करो कि 1 साल के बाद वो कितनी बढ़ी है, इन एक्चुअल 5,000 से वो बढ़ के हो गई है 540, ठीक है, मतलब 540 का एडिशन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले ना हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 540 हमारा आया, ओरिजिनल क्या था 5,000, मल्टीप्लाई बाय आप कर लो, सो तो 00 से 00 कट गई, 10 से 0 कट गई, तो ये आपका हो गया 54/5%। ये जो अब आपकी परसेंटेज निकली है ना, ये अब आपकी टोटल की परसेंटेज निकली है, ठीक है। तो अब ये देखो, हमें बोला था कि ये वाली जो आपकी परसेंटेज ना जब बनेगी टोटल, जब आपका 6% तो कौन इंक्रीज हुआ है, मेल इंक्रीज हुए हैं, और 14% फीमेल्स इंक्रीज हुई है। मतलब कि 6% जब मेल इंक्रीज हुआ है और उसमें फिर जब फीमेल 14% इंक्रीज हुई है, जब जाके हमारा टोटल हमें मिलेगा, और वो टोटल आपको क्या मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है 54/5%। अब आप ये मत सोचना कि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट में है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक काम करो, या फिर हम इसको डेसिमल में क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेते, ऐसा कुछ मत करो, सीधा एक काम करो कि जो ये नीचे वाला नंबर है ना, इस नंबर को दोनों मेल और फीमेल में मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 5 क्या होगा 30, ठीक है, तो 30%। 14 5 क्या होगा 70, तो 70%। फिर ये इक्वल हो जाएगा आपके 54% के टोटल। तो हम इसमें एक ना एक चीज करो, अब हमें ये तो पता चल गया कि मेल अगर 30% है, फीमेल 70% है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल होना चाहिए वो होना चाहिए 54%। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, ओरिजिनली तो ऐसा आ नहीं रहा ना, तब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ना चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए आप सब्ट्रैक्शन करोगे। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से आप माइनस कर दोगे। तो मान लीजिए आपके पास फीमेल है, क्या है 70%, तो 70 बड़ा है 54 से, तो 70 - 54% कर दोगे, तो 70 में से 54 गए, आपका बचेगा 16। अब मेल के लिए बात करते हैं, मेल आपका 30% है, टोटल 54 है, तो इस बार आपका टोटल बड़ा है और मेल छोटा है। तो हमने क्या कहा है कि सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 54% - 30% कर देंगे। तो 54 में से अगर 30 गए तो आपका क्या होगा, ये आपका होगा 24, ठीक है। तो अब हमारे पास फीमेल का भी नंबर आ गया और मेल का भी प्रॉपर नंबर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। मेल इज टू फीमेल, तो मेल है आपका 24, फीमेल है आपकी 16, इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर दो। तो 8 2 16, 8 3 24, तो अब हमें 3 और 2 का रेशियो मिल गया, ठीक है। अब हमें टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनमें ऐड कर देंगे। तो 3 + 2 ऐड करने के बाद आपका क्या बनता है, 5 बन रहा है ना। अब जब 5 बन गया और हमें पता है कि हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन हमें क्या दी हुई थी, 5,000 गिवन थी, तब हम क्या करेंगे, हम 5,000 में इस 5 को डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1,000। इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो हमें मिल गई कि 1,000 होगी। तो अब हम मतलब जो एक मेल है वो 1,000 के बराबर है, एक फीमेल है वो 1,000 के बराबर है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हमें मेल की पूछी गई है कि टोटल मेल कितने होंगे, तो हमारा रेशियो है 3 का मेल के लिए, तो 3 × 1,000 कर देंगे। तो डैट मीन्स हमारे पास टोटल मेल्स कितने हैं, 3,000 है। और अगर फीमेल का भी पूछा होता तो हमारे पास फीमेल का रेशियो क्या है, 2, तो हम 2 को 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास क्या आंसर आता, 2,000। और अब आप देखो, आप इनको ऐड करोगे ना तो आपका क्या बन रहा है, 5,000 बन रहा है। कितनी पोजीशन, कितना वो बन रहा है आपका पॉपुलेशन, 5,000। तो डैट मीन्स कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स है एट प्रेजेंट वो है आपके 3,000, क्योंकि हमें एट प्रेजेंट पूछा है, 1 साल बाद का नहीं पूछा, इसलिए हमने क्या किया है, इसको डायरेक्ट 5,000 से हमने डिवाइड करके एक की वैल्यू निकाली। अगर आपसे पूछता कि मेल्स 1 साल के बाद कितने हो जाएंगे, हमें उसका फ्रैक्शनल ओरिजिनल नंबर चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए, तब आप डायरेक्ट इसको जो ये आपके रेशियो आए हैं, आप इसको जो ये आपका 5 है, आप इसको 5,540 से डिवाइड करते, जो वैल्यू आती उससे आप इनको मल्टीप्लाई करते और फिर मेल और फीमेल को निकाल लेते।
तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 3000, क्योंकि हमसे मेल पूछा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के एक चीज पता चली, आपको प्राइस भी दिया है, कंजप्शन बोल रहा है घटाने के लिए, लेकिन वो क्यों बोल रहा है? ताकि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं हो। तो हमने केस 3 पढ़ा था एक, ठीक है, पहले तो हम प्राइस इंटू कंजप्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर, ठीक है। और हमने ए इंटू बी इज इक्वल टू सी वाले में केस 3 पढ़ा था कि अगर आपको ये बोल रहा है कि प्राइस अगर बढ़ता है, ठीक है, तो हमें कंजप्शन कितनी घटानी चाहिए ताकि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो एज इट इज उतना ही रहे, सेम रहे, कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। तब आपका क्या होगा कि जो आपका ए होगा ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा कंजप्शन के, मतलब ये इसका एक तरह से जो अभी आपकी फ्रैक्शन होगी उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसका रेसिप्रोकल कह सकते हो। तो ये इस एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे भी हमें यही चीज है, हमें यहाँ पे प्राइस दिया गया है, प्राइस हमें बोल रहे हैं कि 25% बढ़ गया, ठीक है। अब हमें ये बोल रहे हैं कि कंजप्शन कितनी परसेंट हमें घटानी पड़ेगी सो डेट जो आपका एक्सपेंडिचर है ना जो पहले था वो एज इट इज उतना ही रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जो प्राइस है 25%, इसकी आप फ्रैक्शन बना लो। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4। अब हमें ये बोल रहा है कि वो बढ़ी है, बढ़ी है का मतलब है प्लस, और डिनोमिनेटर और वेस क्या होता है? आपकी ओरिजिनल संख्या होती है, यानी कि ओरिजिनल नंबर है। तो यानी कि आपका जो इनिशियल प्राइस है वो क्या है? 4। तो अब इसको फॉर्मूला में पुट करो, इनिशियल ओवर फाइनल, ठीक है। इनिशियल आपका क्या प्राइस है? 4, और 4+1 करोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमें बोला है कि जो कंजप्शन है वो इसी क्या हो जाती है? इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाती है, मतलब इसका उल्टा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगी, मतलब इनिशियली जो आपकी कंजप्शन होगी वो 5 होगी और जो फाइनली अब आपकी कंजप्शन आएगी वो हो जाएगी 4। तो ये क्या हो गया? ये इनका रेशो में एक तरह से कन्वर्ट हो गया, 4:5 एंड 5:4, ठीक है। तो आप फाइनल वाली को देखेंगे, 5 में से 4 को अब आप क्या करोगे? माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आपके पास क्या आया? 1 आया, क्योंकि इन्होंने बोला है कंजप्शन को कितना घटाना पड़ेगा, और अगर घटाना है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने पे हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है। और फाइनल आपके पास क्या थी कंजप्शन? इन एक्चुअल उससे पहले आपके पास 5 थी कंजप्शन। तो अब हम इसकी परसेंटेज निकाल देंगे, और 5 2 10 एंड 0 21 होगा 20%। तो इसका मतलब है कि आपको 20% आपकी कंजप्शन घटानी पड़ेगी ताकि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो चेंज ना हो, वो कॉन्स्टेंट रहे, सेम रहे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पीडीएफ प्रॉपर मिल जाएगा। तो आप आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, या आपका टाइप या केस 3 कह सकते हो सक्सेसिव चेंज के अंदर, जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, 3 केसेस बताए थे, तो ये आपका थर्ड केस का पार्ट है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन करे थे वो सेकंड केस एंड फर्स्ट केस के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब थर्ड केस का डिफरेंस अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब इस बार हम प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करते, हम लेंथ या एरिया वगैरह के जो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं केस 3 का, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ गिवन है वो 20% बढ़ जाती है, बाय हाउ मच परसेंट ब्रेथ इज डिक्रीज्ड सो डेट एरिया विल नॉट चेंज। तो हमें बोला है कि हमें ब्रेथ को कितना घटा देना चाहिए ताकि जो आपका एरिया है वो चेंज ना हो। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि हमें बोला है एरिया आपका कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, भले ही आपका चाहे लेंथ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या ब्रेथ में आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? जो हमारी लेंथ है वो 20% क्या हुई है? बढ़ी है। अब हमें बोल रहा है कि ब्रेथ को कुछ परसेंट घटाओ सच डैट कि जो आपका एरिया है वो सेम रहे, कुछ भी उसमें चेंज ना आए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या चीज पता चली कि एरिया तो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसमें तो हमें कुछ चेंज वगैरह कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारी लेंथ गिवन है, ठीक है, ये आपकी फिर ब्रेथ क्या हो जाएगी? ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी इसका इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इट मीन्स ये आप एक तरह से इस टाइप से बन जाएगा, लेंथ इंटू 1/ब्रेथ, या फिर आप इसको ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/l, एक तरह से इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें 20% गिवन है, इसका हम निकाल लेते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। तो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगी? 1/5, क्योंकि 20 / 100 करोगे तो क्या होगा? 1/5। अब ये बोल रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर आपका हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, डैट मीन्स कि आपकी इनिशियल है, इनिशियल लेंथ है आपकी 5, ठीक है। जो आपकी ओरिजिनल लेंथ है वो क्या है? 5। अब हमें बताना है कि हम
जो हमारी ब्रेथ है उसमें ऐसा क्या चेंज लाए, उसको ऐसा कितना घटाए कि आपका एरिया चेंज ना हो, तो हमें ये पता चल गया। तो ये हो जाएगा 6:5 हो जाएगा ये, यानी कि जो आपकी लेंथ थी वो हमने फाइनल बना के क्या की 6 की, और हमारा इनिशियल क्या रहेगा 5 रहेगा जो ओरिजिनल था। अब ये इसका उल्टा है, 6/5 का अगर हम उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। अगर ये हमारी लेंथ है तो ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी 5/6, ठीक है। तो हमने इसी चीज़ को लिखा है, लेंथ हमारे पास फाइनली आई 6 और ओरिजिनली क्या थी 5 थी, ब्रेथ हमारी अब बाद में फाइनल पे क्या आ गई 5 हुई, और इनिशियली मतलब वो पहले क्या थी 6 थी, ठीक है। तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे और हमें ब्रेथ कितनी घटानी है ये बताना है। तो 5/6 में से 5 गए 1 आएगा, हम यहाँ पे डिक्रीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बोला है कि ब्रेथ को कितना घटाओगे। तो यानी कि जब हमने माइनस किया तो हमें क्या मिला, हमें 1 आंसर मिला, और हमारी ओरिजिनल लेंथ क्या थी 5 थी, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 5 2 10 एंड 0 का 0, डैट मीन्स कि आपको 20% क्या करना पड़ेगा, अपनी ब्रेथ को डिक्रीज करना पड़ेगा अगर आपको अपना एरिया कांस्टेंट रखना है या सेम रखना है। तो आप इसको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा था, फ्रैक्शनल फॉर्म में, एक तरह से डिवाइड वाले फॉर्म में पूरा प्रॉपरली। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको रेशो वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लिखो, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए, आराम से हो जाएगा। सो ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट का क्वेश्चन था, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय। और जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो, सो डेट आपको जल्द से जल्द अपडेट्स मिल जाए। परसेंटेज हमारा जल्दी खत्म होने वाला है, बस 1-2 क्लासेस में मैं इसको खत्म कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद आई अश्योर यू कि हाँ डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली परसेंटेज को सॉल्व करने में। सो बाय।